नमस्कार, रात के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। देश हमारा के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने लिया है बड़ा फैसला। उद्धव गुट को चुनाव आयोग से झटका लगा है। शिंदे गुट को मिला है शिवसेना का चिन्ह। शिवसेना का नाम भी शिंदे गुट को मिला है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिंदे गुट को मिला है धनुष बाण का चिन्ह। शिवसेना का संविधान अलोकतांत्रिक, ये कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। उद्धव गुट को चुनाव आयोग से झटका लगा है। शिंदे गुट को मिला है शिवसेना का चिन्ह और शिवसेना का नाम भी अब शिंदे गुट को मिला है। शिंदे गुट को मिला है धनुष बाण का चिन्ह। और आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है कि शिवसेना का संविधान अलोकतांत्रिक। तो चुनाव आयोग के फैसले पर सीएम शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है। कह रहे हैं कि ये सत्ते की जीत है, ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है, हमारे विचारों से लोग जुड़ रहे हैं। ये शिंदे ने बयान दिया है। चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये लोकशाही का विजय है। इंद्रदेव सम्राट महाराज ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, वो भी सुन लीजिए। उदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। इससे अलग वक्तव्य दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है। और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। तो चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी है तीखी प्रतिक्रिया। राउत ने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चुनाव आयोग को ही बीजेपी का एजेंट करार दिया। सुन लीजिए। पानी की तरह बहाया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। दिनभर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया, विरोध करना बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के लिए न्याय व्यवस्था राज्य व्यवस्था सब चुनाव बनकर बैठे तो क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। आज का चुनाव आयोग वो सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है कि जो अपने विवेक से फैसला लेता हो। सभी लोग जानते हैं कि अब ये जेबी संस्था बनकर रह गई है, तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद थी कि ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला आएगा।